Today I'm going to discuss the waves and their superposition. So let's start with plane wave solution. First, अगर आपके पास एक plane wave solution है जो wave equation को satisfy करता है, और ये आपको पता भी है कि ये free particle solution to Schrodinger equation भी है, e to the power iota kx minus omega t. इस ये basically complex function है, जो कि wave function है. वेव फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और ई टू द पावर आटा के एक्स माइनस ओमेगा टी के वेव नंबर है, और वेव नंबर आपको पता है द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ होती है. किसी आप किसी फील्ड ऑफ व्यू को देख रहे हैं, किसी स्क्रीन को देख रहे हैं, तो वहाँ पर यूनिट लेंथ कितनी वेव्स आपको नज़र आती हैं वो बेसिकली कोरिस्पॉन्ड करती हैं वेव नंबर को. सही है. इसी तरह आपको पता है e to the power iota kx minus omega t is basically e to the power iota theta. So you can use Euler's equation. Euler's equation e to the power iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta. तो आप इसमें theta की जगह kx minus omega t put करेंगे तो आपको मिलेगा e to the power iota kx minus omega t cos kx minus omega t plus iota sin kx minus omega t. ये function एक complex function है, और इसका हम real part pick करते हैं तो ये बनता है cos kx minus omega t. और cos kx minus omega t में हम assume करेंगे for the time being omega की value 1 assume करेंगे, frequency 1 है. ठीक है, हम बाद में change भी करेंगे और देखेंगे कि frequency के change करने पे क्या फर्क पड़ता है. और ये imaginary part है, so cos kx minus omega t is also the solution of wave function wave equation, and sin kx minus omega t is also the solution of wave function. So e to the power iota kx minus omega t is the solution of wave function, wave equation. So सबसे पहले हम real part लेते हैं. cos kx minus omega t omega 1 है, और फिलहाल मैं special part ले लेता हूँ, तो ये बनता है cos kx. सही है, इसको फिलहाल हम इधर यहाँ पे hold on करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं. अब हम discuss करेंगे basically for the first सबसे पहले कि wave number से क्या मुराद है, physically wave number का क्या मतलब है, और वेव की डायरेक्शन से क्या मुराद है. तो फर्स्ट करो वेव नंबर की वैल्यू 1 है, और अगर वेव नंबर की वैल्यू 1 है तो कॉस फंक्शन के पूरे पीरियड में, जो कि 0 से 2 पाई है इंटरवल में, हम देखेंगे वेव नंबर्स की वैल्यू 1 करने पर, के की वैल्यू को 1 करने पर वेव के वेव इस आपको फील्ड ऑफ व्यू में कितनी वेव्स मिलती हुई नजर आती हैं, और वेव राइट पे कैसे मूव करेगी, लेफ्ट पे कैसे मूव करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या किया है. cos kx minus omega t में ओमेगा को 1 कर दिया है, k को भी 1 कर दिया है इस केस के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि 0 से लेकर 2 पाई तक अगर मैं cos kx minus omega t को प्लॉट करता हूं और टाइम में मूव कराता हूं उस फंक्शन को, cos kx को टाइम में मूव कराता हूं, तो आपको वेव राइट पे जाती हुई दिखाई देगी. मैं जरा एग्जीक्यूट कर देता हूं, ये देख आप देख सकते हैं वेव राइट की तरफ मूव कर रही है, राइट की तरफ मूव कर रही है, और मैंने इसको 1 यूनिट्स के लिए प्लॉट किया, 0 से लेकर 1 मींस 1 यूनिट के लिए प्लॉट किया है. तो ये टाइम लाइन है जो कि मूव कर रही है, तो उसके साथ साथ वेव भी मूव कर रही है. अब आप देखें जरा वेव नंबर की वैल्यू 1 ली है हमने, k की वैल्यू 1 ली है, और हमने इस पीरियड पे डिफाइन किया इस फंक्शन को 0 से 2 पाई तक. तो आप जरा देखें पूरे पूरे पीरियड में आपको वेव्स कितनी मिल रही हैं. यहां से वेव शुरू हो रही है, यहां पे वेव खत्म हो रही है, 2 पाई पे वेव खत्म हो रही है, फिर अगली वेव यहां से आगे शुरू होगी. तो गोया कहने का मकसद ये, एक पीरियड के इंटरवल के ऊपर आपको एक पूरी वेव मिल रही है, क्योंकि वेव नंबर की वैल्यू 1 है. सही है, गुड. वेव नंबर की वैल्यू 1 है, सही हो गया. अब जरा आ जाए इसको मैं, ये वेव राइट की तरफ क्यों मूव कर रही है, क्योंकि आपने x माइनस ओमेगा टी की, ये साइन माइनस ये बताती है, और टाइम के साथ माइनस साइन ये बताती है कि वेव राइट की तरफ मूव कर रही है. सही है, अगर मैं इस माइनस साइन को प्लस से रिप्लेस करता हूं तो आपको क्या मिलता है, जरा देखें k की वैल्यू अगेन 1 है, सिर्फ बीच में माइनस की जगह इंस्टेड ऑफ माइनस साइन नाउ यू हैव प्लस साइन. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस केस. ये देखें this time what actually happens is you have changed your minus sign with a plus sign, then your wave before this your wave was moving towards the right, and right now it is moving towards the left. Why? Because of this minus sign and plus sign. So omega t se pehle wala sign ye determine kar raha hai ki wave right pe jayegi ki wave left ki taraf jayegi. Isi tarah k ki value 2 liya hua hai, 2x minus omega t omega 1 liya hua hai. Zara dekhen zara,
ये देखें, अब आपको फील्ड ऑफ व्यू में पूरे इंटरवल में 0 से 2 पाई के दरमियान एक एक और दो यहां से यहां तक एक वेव, यहां से यहां तक एक वेव, तो इस पूरे इंटरवल में 0 से लेके 2 पाई, 2 पाई अराउंड 6.28 बनता है, इसके दरमियान आपको दो वेव्स होत नजर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि आपके का के सॉल्यूशन का वेव नंबर 2 है, और यहां पे माइनस साइन ये बता रही है कि वेव राइट की तरफ मूव कर रही है। सो अगर आप इस साइन को रिवर्स कर देते हो, जो मैंने ऑलरेडी की हुई है, cos 2x + t, तो आप देख सकते हैं वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है। So this time waves is moving towards the left, सही है? इसी तरह मैं k की वैल्यूज बढ़ाते हुए चेक करता हूँ, आपको अंदाज़ कंफर्म हो जाए, आप कन्विंस हो जाए कि वेव नंबर बेसिकली विद इन गिवन इंटरवल, वेव्स बेसिकली वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, सही है? तो ये चार वेव्स हो गई, तीन वेव्स हो गई, ये चार वेव्स हो गई पर यूनिट लेंथ, ये पाँच वेव्स हो गई, सही है? तो मैं पाँचवें को देखता हूँ ज़रा, यहाँ से यहाँ तक एक दो तीन चार, ये चार हो गई, के की वैल्यू 4 और लास्ट वाला 5, ये वाला 5। तो आप इसको स्टॉप करें, टाइम लाइन को शुरू में जाएं, यहाँ से यहाँ तक एक दो तीन चार पाँच, सो पाँच वेव्स यहाँ पे हैं और राइट पे मूव कर रहे हैं। सिमिलरली आप इसको लेफ्ट पे मूव कराना चाहते हैं तो अगेन माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दें, ओके। सो आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है कि आपको पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ वेव्स दे रहा है, और माइनस साइन आपको वेव्स राइट पे जाती हुई दिखाई दे रही है, प्लस साइन आपको वेव्स लेफ्ट पे जाती हुई दिखाई देगी। अब मैं इस फ्रीक्वेंसी को, जो कि के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ, लेट्स से 1 की जगह 2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वेव फास्ट मूव करेगी पहले के मुकाबले में। अगर मैं 3 करता हूँ तो और फास्ट मूव करेगी, और अगर मैं 4 करता हूँ तो और फास्ट मूव करेगी। अगर मैं इस 4 को 40 कर देता हूँ लेट्स से, तो अब तो ये बिल्कुल तेज आएगी। तो एक इंटरवल में 0 से लेके 1 यूनिट ऑफ टाइम में ये नंबर ऑफ वेव्स की तादाद आपको नजर आ रही है, सही है? सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं, इधर किसी खास पॉइंट को नोटिस करें, यहाँ पे फर्स्ट को मैंने ये 1 फेस पॉइंट पे नोटिस किए। अब आप चेक करते हैं कितनी बार वेव्स उसको छूती हैं पर यूनिट टाइम, कितनी बार जर्क्स उनको मिलती हैं, तो वो मतलब बेसिकली ये है कि वेव्स उतनी। सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी, सही है? सो चलें, ये 1 पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन ऑफ वेव के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। अब हम जरा डिस्कस करते हैं स्पेशल प्रोफाइल ऑफ रियल पार्ट ऑफ प्लेन वेव। जो प्लेन वेव थी वो e टू द पावर आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी थी, और इसका रियल पार्ट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी था, और इसका स्पेशल प्रोफाइल मींस टाइम को एलिमिनेट कर दें, फर्स्ट करें हम नहीं इंटरेस्टेड टाइम में, हम स्पेस में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, स्पेशल पार्ट ऑफ स्पेशल प्रोफाइल ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस वेव फंक्शन विल बी कॉस के एक्स। सो हम कॉस के एक्स को डिस्कस करते हैं। सो मैं सबसे पहले तो डिफरेंट वेव वेव नंबर्स के लिए मैं बेसिकली कॉस के एक्स को लिस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कॉस के एक्स का टेबल बना दिया मैंने, जिसमें के की मैंने 5 वैल्यूज ली, 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेके 5, और इसको मैंने 5 का नाम दे दिया। सो कॉस एक्स प्लस कॉस 2x, कॉस 3x, कॉस 4x, कॉस 5x, सही है? अब मैं के की वैल्यू 1 प्लॉट करता हूँ, तो इससे क्या मुराद है, ये बेसिकली लास्ट वाली सिचुएशन ही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिमिट्स माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई कर दी है सिमेट्रिक बनाने के लिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं ये माइनस 2 पाई से लेके प्लस 2 पाई पे ये कॉस के एक्स मीन्स के की वैल्यू 1, वेव नंबर जो है 1 है वो प्लॉट किया, लेकिन याद रखिए मैंने यहाँ पे वेव की वैल्यू 1 ली है वेव नंबर, लेकिन मैंने प्लॉट माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई किए, तो इधर वेव्स 1 की बजाय 2 मिल रही है। तो बेसिकली हमें ये देखना है वेव नंबर के इज इक्वल टू 1, 0 से लेके 2 पाई तक मीन्स इस रेंज में देखना है।
तो डेफिनेटली यहाँ पे के की वैल्यू 1 है, सही है। और आप देख सकते हैं ये लोकलाइज नहीं है, ये स्मीयर्ड आउट है, ये फैला हुआ है बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर मैं रेंज बढ़ाऊंगा। सिमिलरली के की वैल्यू 2 देखते हैं, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स बढ़ती जा रही है, के की वैल्यू 3 देख रहे हैं तो नंबर ऑफ वेव्स और बढ़ती जा रही है, के की वैल्यू 4 रखते हैं तो नंबर ऑफ वेव्स उससे ज़्यादा बढ़ रही है, के की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये ज़्यादा हो गया। ओके, सो इस तरह हमने डिफरेंट वेव नंबर्स के लिए स्पेशल प्रोफाइल ऑफ वेव फंक्शन प्लॉट कर दिया, सही है। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इनकी सुपरपोजिशन लेके चेक करना चाह रहे हैं कि इनके इंडिविजुअल वेव्स जो हैं वेव फॉर्म्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेव नंबर के, ये लोकलाइज नहीं है, ये बिल्कुल स्मीयर्ड आउट है फ्रॉम अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज नॉट लोकलाइज। और यही रीज़न है कि वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में के प्रॉब्लम्स में जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है थ्रू आउट, जिसे हम फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह के वेव्स मिलती हैं जो कि स्मीयर्ड आउट होती हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कि जिसकी वजह से वो फंक्शंस, वो वेव फंक्शंस नॉर्मलाइजेबल नहीं होते, वो फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कंजर्व नहीं होती हैं। तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम को, हालांकि श्रोडिंगर इक्वेशन को वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन वो फिजिकली वैलिड और फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस नहीं है। तो जो फिजिसिस्ट एक ट्रिक यूज करते हैं उसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, वहां पे सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन को सम अप करते हैं वाई यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, सही है। तो अभी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू कॉन्टिन्यूस नहीं है, के की वैल्यू डिस्क्रीट है। अगर के की वैल्यू कॉन्टिन्यूस होती तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते, बट क्योंकि के की वैल्यू फिर सिर्फ और सिर्फ 5 है तो फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ और सिर्फ 5 वैल्यूज को सम अप करूंगा, सिंपली कॉस के एक्स को सम करूंगा फॉर 5 वैल्यूज फ्रॉम 1 अप टू 5, देन यू विल सी यू विल हैव कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 5x। अब ये सुपरपोजिशन में चला गया इन पांचों वेव्स की, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 इनके सुपरपोजिशन में जाएगा तो आप देख सकते हैं ये वेव्स, ये के इज इक्वल टू 1 से 5 तक सारे के सारे स्मीयर्ड आउट है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, स्मीयर्ड आउट है और ये कहीं पे ख़त्म नहीं हो रही या इनका एम्पलीट्यूड जीरो नहीं हो रहा, मतलब ये हो रहा है विद जहाँ पे नोड्स है जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो वो हो रहा है, लेकिन ये लोकलाइज नहीं है आई वॉन्ट टू से। तो इसको लोकलाइज बनाने के लिए आप सम करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, तो आप जब सम करके इस सम को के रिजल्ट को मैं परसेंटेज कमांड से रिकॉल करता हूं जो कि रीसेंट आउटपुट है, और इसको जब मैं प्लॉट करता हूं फ्रॉम माइनस 2π से प्लस 2π, तो फॉर द टाइमिंग मैंने 1.8π लिखा हुआ है समझाने के लिए कि वेव पैकेट क्या होता है, वेव ग्रुप क्या होता है। अब इसको मैं प्लॉट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि नाइस एंड स्मूथ वेव प्लॉट आपको मिल रहा है, देख सकते हैं आपको एक वेव ग्रुप मिल रहा है, सही है। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, लेट से 2π से प्लस 2π, तो ये थोड़ा सा इस तरह का होगा। आई एम सॉरी, मैंने इसको परसेंटेज रीसेंट कमांड जो है वो यूज़ करनी, तो ये आ गया। इसी तरह से अगर मैं बहुत सारे रेंज पे, मतलब माइनस एक्स की डिफरेंट वैल्यू से प्लस एक्स की बड़ी वैल्यूज तक जाता हूँ, तो आप देखें बहुत सारे मल्टीपल वेव ग्रुप्स आपको मिलेंगे, सही है। लेट्स चेक इट अगेन, ये आप नज़र आ रहा है आपको कि आपको डिफरेंट वेव ग्रुप्स मिल रहे हैं, कहीं पे ये बिल्कुल ज़ीरो है, कहीं पे ये बहुत ज़्यादा स्पाइकी है और बहुत लोकलाइज सी वेव्स हैं। तो इसको समझने के लिए आप मैं इधर 4π कर देता हूँ, तो आप देख लें ज़रा आपको क्या मिलता है, ज़रा देखें, सही है। सो आपको लोकलाइज वेव पैकेट्स मिल रहे हैं इंस्टेड ऑफ दिस नॉन लोकलाइज, ये वेव फंक्शंस आपको लोकलाइज वेव पैकेट्स मिल रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द आइडिया ऑफ discrete summation of different wave function solution, which is superposition. And while using this technique, physicists Fourier transform करते हैं ताकि आप waves में wave numbers की infinite values को लेके उनको sum up करते हैं while using Fourier transform. So thanks for watching this video. Up till next video. Bye bye. और ये video बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको वेव्स और सुपरपोजिशन के बारे में आइडिया हो,
और साथ ही साथ जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स से लेक्चर 14 डिस्कस किया है, फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन टू क्वांटम मैकेनिक्स यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन बेसिकली प्लेन वेव सॉल्यूशंस होते हैं और वो नॉर्मलाइजेबल नहीं होते, लिहाजा उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको उसको लोकलाइज करना पड़ता है और फिर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है, या ये कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव नंबर्स की वेव्स को आपस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू ऐड करते हैं। और आपको पता है इफ साई वन इज अ सॉल्यूशन, साई टू इज अ सॉल्यूशन, देन साई वन प्लस साई टू इज अगेन द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सहारा लेते हुए आप उस इंतहाई डीट किस्म के वेव्स फंक्शन को जो कि वेल बिहेव नहीं है उसको वेल बिहेव बना सकते हो व्हाइल यूजिंग द मैथमेटिकल ट्रिक कॉल्ड फॉरियर ट्रांसफॉर्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।